कोच में करा रहे हैं, ऐसा अगर आपको कुछ इशू है अंदर से तो आप लोग। यहाँ पे कोई और बैठा हुआ था अभी फिलहाल, ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट बेगमपट में। तो नमस्कार, काफ़ी समय बाद अपनी मुलाकात हो रही है। आप लोग के इंस्टाग्राम पे DMs आ रहे थे कि भैया क्या हो गया, वीडियोस क्यों बंद हो गई। तो उसका रीज़न अभी मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। तो थोड़ा यदि अगर मैं जर्नी के बारे में बात करूँ, तो फिलहाल मैं आज जर्नी करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 12701 मुंबई हैदराबाद हुसैन सागर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। ट्रेन की डिटेल के बारे में बात करूँ तो जो ट्रेन है वो डेली यहाँ मुंबई CSMT से रात 9:50 पर चलती है और अगले दिन करीब 790 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके हैदराबाद का नम पैली जो है वो दोपहर 12:05 पर पहुँचाती है। इस ट्रेन का ऑफिशियल टाइम है। वैसे इस ट्रेन का रिव्यू वगैरह हमने देखा तो इसका पंचुअलिटी के मामले में ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हर बार की तरह इस बार भी स्टेशन पे हम लोग 1 आवर बिफोर पहुंच चुके हैं। इस समय करीब 8:50 हो रहा है। अपनी ट्रेन का यहाँ से जो चलने का टाइम है वो 9:50 का है। इस समय मैं हूँ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे। तो होप्स हो कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इस समय कितना भीड़ है यहाँ पे मुंबई CSMT रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे आप एनी टाइम आ जाइए, आपको यहाँ पे भीड़ एनी टाइम देखने के लिए मिलेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो मुंबई रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यहाँ पे देश के अलग अलग कोनों से ट्रेनें हैं जो आके मिलती हैं। तो अभी आप लोग ये जो मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेरे पिछले के जो व्लॉग्स थे, उससे इस वीडियो की व्लॉग की क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी या तो बड़ी होगी या तो घटी होगी। अब आपको ये चीज़ कमेंट करना है, करके बताना है कि पिछले के मेरे व्लॉग से ये व्लॉग की क्वालिटी बड़ी है या घटी है। अब हुआ ये ना, दरअसल आज से कुछ दिन पहले मुंबई में बस में मेरा जो पहले पिछले का डिवाइस था जिससे मैं व्लॉग शूट करता था वो चोरी हो गया क्या, तो उसके वजह से जनवरी तक पूरा व्लॉग्स आ नहीं पाया। मैं 20 जनवरी को टिकट था लेकिन वो सब कैंसिल कराना पड़ा उसी की वजह से। खैर जो भी, अभी फिलहाल नया डिवाइस लिया है। अभी ये कौन सा डिवाइस है मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आपको कमेंट जरूर करके बताना कि इस व्लॉग की क्वालिटी मेरे अदर कंपेयर पिछले व्लॉग से बड़ी है या घटी है। दे दो तो एक दिन में सील पैक नहीं है क्या भाई? सील पैक है भैया, धन्यवाद। स्टेशन से लेते हैं ना तो यहाँ पे आपको ऑन प्राइस मिल जाएगा जो भी चीज़ है। यहाँ से पानी की बोतल लिए हैं, अब यहीं से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। टाइमिंग देख लीजिए 9:15 होने वाला, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ट्रेन यहाँ पे आके नहीं लगी है। तो देखिए करीब 9:15 के ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगाया गया है। अपनी आज की जो जर्नी है वो हो रही है इस ट्रेन के 3rd AC कोच में, कोच है अपना B6। आराम से चलते हैं अभी अंदर ट्रेन को यहाँ से निकलने के लिए। करीब अभी 30 मिनट यानी 30 मिनट का समय, जो आधे घंटे का समय जो है वो बचा हुआ है। बाहर देख लीजिए, ट्रेन के बाहर का कुछ इस तरीके की कंडीशन है कोच की। सामने यहाँ पे मिरर वगैरह दिया हुआ है, वॉश बेसिन है, सोप होल्डर है जिसके अंदर सोप भी अवेलेबल है, नीचे डस्टबिन है, यहाँ पे डस्टबिन है, यहाँ पे स्टिंग यूशर है। चलिए चलते हैं अंदर। ये है इस ट्रेन के कुछ कोच का इंटीरियर। लाइनन वगैरह हर एक बर्थ पे रखा गया है। फिलहाल आज का अपना जो बर्थ है वो ये है 37 मिडल बर्थ, ना चाहते हुए भी अलाउट हो गया है। खैर देखिए यहाँ पे पाइप लगाया हुआ है मोटा पानी वाला। आप सफाई वगैरह कोच की मेंटेनेंस वगैरह देख रहे हैं आप लोग अभी तक तो एकदम क्लियर। अब आगे देखते हैं इसका क्या हाल होगा। और अंदर अगर आप लोग देख पा रहे तो पर्टिकुलर हर एक बर्थ के लिए देखिए पीलो लाइनिंग वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है सेट के ऊपर। खैर बैग वगैरह रख दी अंदर और अभी तो ट्रेन को यहाँ से चलने के लिए 15 से 20 मिनट का समय जो है वो बचा हुआ है। वो इंडियन रेलवेज़ में जर्नी करते दौरान एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग को, यहाँ पे ना कोच के बाहर यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे वॉशरूम के आगे अगर आपको साफ सफाई से रिलेटेड कोई भी इशू है ना, खास करके तो 3rd AC में, तो साफ सफाई से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। या तो फिर बेडरोल वगैरह के लिए अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कोच अटेंडेंट का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ट्रेन के अंदर मॉडर्न LHB के कोचेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फॉर सेफ्टी के लिए यहाँ पे देखिए दो कैमरे लगाए हुए हैं, यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो आज से 15 दिन पहले जब हम लोगों ने इस ट्रेन की बुकिंग करी थी ना, तो इसके अंदर करीब 45 सीट्स अवेलेबल थे 3rd AC के अंदर। तब हम लोगों ने बुक किया था तो मुझे लगा नहीं था कि मिडल बर्थ अलॉट हो जाएगी, लेकिन खैर जो भी है अब कैसे भी एडजस्ट करना रात भर के लिए मिडल बर्थ। अब इसमें दिक्कत ये है ना कि हमारे पास एक ही बैग है, मतलब हैंड बैग है जो कि पीछे हम लोगों ने लटका हुआ था, तो उसको रखने का प्रॉब्लम है बस। अब मिडल बर्थ है, रात को सोने के टाइम जब सीट बिछाएंगे तो सोने के टाइम तो अपने पास ले लेंगे, लेकिन अभी तक तो वहाँ पर अभी फिलहाल सीट पर रखा हुआ है।
तो अभी ट्रेन यहाँ से चलेगी, खाना वगैरह मम्मी ने घर से दिया हुआ है, तो यही है, मुंबई से जर्नी शुरू होती है तो खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं होती हमें, तो घर से खाना लाए हुए हैं। फिर अभी इसके बाद इस ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है कल्याण, थाने में इस ट्रेन का हॉल्ट दिया हुआ नहीं है, कल्याण में इस ट्रेन का हॉल्ट है, कल्याण से ट्रेन है जो करजत के रास्ते पुणे सोलापुर होते हुए हैदराबाद को निकल जाएगी। इधर ही समय से बिल्कुल ऑन टाइम पर 9:50 पर अपनी ट्रेन है जो निकल चुकी है CST के 9 नंबर प्लेटफॉर्म से। इसको वाला काम क्यों करते हैं? अभी इस ट्रेन का इसके बाद सीधा नेक्स्ट हॉल्ट है वो है कल्याण, थाने में इस ट्रेन का हॉल्ट दिया नहीं है, कल्याण से फिर इस ट्रेन का रूट घूम जाएगा करजत की तरफ पुणे सोलापुर होते हुए फिर हैदराबाद को निकल जाएगी। फिर कल दोपहर करीब 12:05 का इस ट्रेन का ऑफिशियल टाइम है हैदराबाद पहुँचने का। किशन 37 है, योगेश पांडे 35। देखिए बेडरोल वगैरह यहाँ पे दिया हुआ, तो निर्धारित समय से करीब 5 मिनट की देरी के साथ अभी हम लोग जा पहुंचे हैं इस ट्रेन के सबसे पहले हॉल्ट कल्याण जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड पड़ता है KYN। कल्याण जो है ये आता है महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में, बता दूं 8 नंबर प्लेटफॉर्म का स्टेशन जहां पर 284 ट्रेनें आकर रुकती है। कल्याण के बाद इस ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सीधा पुणे, जो कि आएगा करीब रात के 1:30 बजे करीब, तो हो सके तो यहां से अभी ट्रेन चलेगी। खाना वगैरह हम लोग ने अभी ट्रेन के अंदर खा ही लिया, आप लोग ने देखा बेड रोल वगैरह ऑलरेडी सीट पर रखा हुआ था ट्रेन के, तो अभी यहां से चलेगी ट्रेन, तो हो सके तो हम लोग आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट मॉर्निंग में। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद। आप हैदराबाद से? हम हैदराबाद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अच्छा, कुछ बताइए खास फिर हैदराबाद के बारे में। हाँ, लेकिन हम भी वेज है, वेजिटेरियन है। वेज भी मिलता है, अच्छा बनाते हैं। आप हैदराबाद जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे। ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ना, ये आगे कसारा इगतपुरी नासिक की तरफ चली गई है, हम लोग फिलहाल करजत वाली लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। ये अपना बर्थ, मिडल बर्थ। कोच में ना थोड़ा मतलब कूलिंग कम हो गया, तो हम अभी भैया को बोल के कूलिंग है जो कोच में करा रहे हैं, ऐसा अगर आपको कुछ इशू है अंदर से तो आप लोग यहाँ पे कोच अटेंडेंट या टेक्निकल स्टाफ होगा, आप उनसे बोल के अंदर की कूलिंग अपने हिसाब से करा सकते हैं। हो गया? गुड मॉर्निंग, इस वक्त सुबह के करीब 7:48 हो रहे हैं और अपने निर्धारित समय से बिल्कुल ऑन टाइम पे अपनी ट्रेन जा पहुंची है कर्नाटका के शाहदाबाद रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड पड़ता है SDB, 3 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। और मैं बता दूँ पंचुअलिटी के मामले में, तो अभी तक अपनी ट्रेन है जो एकदम पंचुअल चल रही है, अब इसके बाद आएगा सीधा वाड़ी जंक्शन जो कि करीब 8:25 पर आएगा। सुबह 7:15 करीब अपनी नींद खुली तो अपनी ट्रेन है वो कालाबुर्गी जंक्शन जो है वो पहुँच चुकी थी।
सामने देखिए WDG4 का ट्विन लोकोमोटिव है। तो इस रूट में हमने एक चीज़ देखा ना अभी, मतलब जितने पैसेंजर मुझे मिले हैं हैदराबाद साइड के, उन लोगों का जो नेचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बातचीत करने में, सॉफ्ट है। मतलब कि सुबह यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपको इडली, मेंदू वड़ा और बाकी पोहा वगैरह जो है अवेलेबल ट्रेन के साइड पेंट्री में मिल जाएगा, जो कि पेंट्री कार तो इसके अंदर है नहीं, तो इस ट्रेन के साइड पेंट्री में ही दोनों ही चीज़ अवेलेबल है सुबह के टाइम के लिए। ट्रेन देखिए करीब 25 मिनट बिफोर पहुंच चुकी है वाड़ी, अभी यहाँ पे करीब आधा घंटे के करीब ट्रेन खड़ी रहेगी, 8:30 बजे का यहाँ से इसका डिपार्चर का टाइम है। तो अपने निर्धारित समय से करीब 25 मिनट बिफोर ये ट्रेन जा पहुंची है कर्नाटक के वाड़ी जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड पड़ता है WADI। तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन, जहां पर 74 ट्रेनें आकर रुकती है, और ट्रेन यहां पे अपने निर्धारित समय से करीब 25 मिनट बिफोर आई है, और यहां से इसका जो डिपार्चर का टाइम है वो 8:30 बजे का है, और पहुंचने का जो टाइम है वो 8:25 पर, लेकिन ट्रेन यहां पे आई है 8:00 बजे करीब, मतलब अभी आधा घंटा के करीब वाड़ी पे ट्रेन खड़ी होने वाली है। ये देखिए यहां पे आपको ब्रेड, ऑमलेट और वड़ा, मेंदू वड़ा, वड़ा पाव वगैरह, समोसा अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा सुबह नाश्ता के लिए। सब उतर के नाश्ता पानी कर रहे हैं, देखिए टाइम देख लीजिए, अभी 8 बज रहा है, करीब आधे घंटे अभी ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी होने वाली है। तो इस ट्रेन के अंदर ना मात्र 2 स्लीपर क्लास के कोचेस है, वो भी पीछे की तरफ है, S1 और S2। चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको इस ट्रेन के स्लीपर क्लास और जनरल कोच की कंडीशन क्या है इस समय। इस ट्रेन के B2 को देखें, दुरंतों की लीवरी दी गई है, दुरंतों को छोड़ के बाकी सब में दुरंतों की लीवरी यूज़ करी की जाती है। आप लोग जो देख रहे हैं ना दुरंतों का कोच ग्रीन वाला, ये आपको दुरंतों में देखने के लिए नहीं मिलेगा, यही 2 स्लीपर क्लास के कोचेस है इस ट्रेन के अंदर। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अंदर की कंडीशन क्या है। देखिए ये है कुछ इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का इंटीरियर। यही एक जनरल कोच है इस ट्रेन का पीछे की तरफ, उसमें मतलब इतना भी पैक नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की क्या कंडीशन है। देखिए ये जनरल कोच है कुछ। तो वैसे ये जो स्टेशन है ना वाड़ी, ये जंक्शन पॉइंट है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ से एक लाइन विकाराबाद, गुंतकल और सोलापुर के लिए निकल गई है। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से विकाराबाद वाली लाइन पे जाएंगे, सोलापुर वाली लाइन से आ रहे हैं, विकाराबाद वाली पे जाएंगे, और यहाँ से एक लाइन और निकल गई है वो है गुंतकल के लिए। अच्छा, स्टेशन पे वड़ा पाव मिल तो रहा है, लेकिन अपने मुंबई जैसा पाव ना कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे इतने छोटे छोटे पाव दिए हुए हैं, उस पाव से ज़्यादा बड़ा तो वड़ा है। लोकोमोटिव देख लीजिए, यानी इंजन अपनी इस ट्रेन के अंदर लाल गुड़ा शेड का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। चाय है गरम? चाय है ना गरम दे दो। तो चाय बढ़िया आते आप लोग तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ की चाय। चाय हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है यहाँ की। देखिए क्या ही जबरदस्त लग रहा है ये व्यू।
12 इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव जिसे द लायन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो होप्स हो कि इस डिवाइस की भी क्वालिटी ना ठीक ठाक आ ही रही होगी। अब ये कौन सा डिवाइस है आगे कभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे पिछले ब्लॉग से जितने भी हैं उनके कंपेरिजन में इस वीडियो की क्वालिटी कैसे किस तरीके की है। आप कहाँ तक जा रहे हैं? हैदराबाद के लग ही रहे हैं, आपकी लैंग्वेज से मालूम पड़ रहा है हैदराबाद से ही है ना। कुछ खाने पीने के लिए फेमस चीज़ बताइए हैदराबाद में। अरे हैदराबाद फेमस बिरयानी, बिरयानी को छोड़ के नहीं खाने वाले को बताइए। और ऐसा कुछ बताइएगा जो वेजिटेरियन भी खा सके। ये अंबेडकर स्टैचू ये कहाँ पे है हैदराबाद में? सेक्रेटरी में बता ना रहा है, 2 किलोमीटर है स्टेशन। देखिए भैया हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे आप हैदराबाद जाते हैं ना तो यहाँ पे विजिट करने जा सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफिस है हैदराबाद में, स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे। देखिए ये है तेलंगाना। क्या नाम है आपका? करण। यहाँ के हैदराबाद साइड के लोग हैं ना भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, आप बातचीत करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। बाजू में अमृत के स्टैचू भी रहता हम देखते हैं। ठीक है चलिए। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अब तक तो ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 17 मिनट डिले चल रही है। अभी इसके बाद विकाराबाद आएगा, फिर बेगमपट, उसके बाद सीधा हैदराबाद। अब हैदराबाद तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। वैसे ये जो जगह है ना ये आता है तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। फिलहाल हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वहाँ पे भैया मिले तो बता रहे थे यहाँ पे कोई घूमने वगैरह के लिए जगह है तो उसको जाके अगर समय रहेगा हमारे पास टाइम रहेगा तो विजिट कर लेंगे, बिकॉज अभी यहाँ से शाम के रात को 8 बजे दूसरी जगह के लिए हमारी बस है। अच्छा अभी हम लोग तेलंगाना में एंटर कर चुके हैं ना कि विकाराबाद के बाद। अच्छा आप लोग प्रॉपर हैदराबाद के हैं तो कुछ बताइए ना हैदराबाद के बारे में, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा उसे द सिटी ऑफ पर्ल कहा जाता है ना हैदराबाद। हाँ बिरयानी तो जानते हैं खाने के लिए। हाँ और रामोजी फिल्म स्टूडियो भी हैदराबाद में ही है। हाँ अच्छा स्टेशन के नियर बाय कोई प्लेस है घूमने के लिए? बिकॉज कैसा है ना मतलब कि शाम को 8 बजे के लिए मेरे कहीं और के लिए ट्रिप है, 8 बजे तक के लिए है मेरे पास टाइम। बिरला मंदिर पास में है। अच्छा बॉम्बे में कराची बिस्किट्स। अच्छा वो अभी एक स्टाफ हमें बता रहे थे वहाँ पे कोई सेक्रेटरी पैलेस है क्या घूमने के लिए? नया वाला सेक्रेटरी तो वहाँ पे अंदर जाने देते हैं क्या? नहीं ना वही सेक्रेटरी पैलेस है। ये जो जगह है इसे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के सिकंदराबाद डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। TDU इसका स्टेशन कोड है तांदूर का। अब यहाँ से तेलंगाना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल मुंबई से करीब 716 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अभी हम लोग जा पहुंचे विकाराबाद जंक्शन। यहाँ पे टाइम भी हो गया, ट्रेन यहाँ पे आई थी अपने निर्धारित समय से केवल 5 मिनट डिले के साथ। जंक्शन पॉइंट इसलिए ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन बीडर की तरफ निकल गई है, अभी हम लोग बेगमपट की तरफ बढ़ी रहे और यहाँ से हैदराबाद की जो दूरी है वो करीब 70 किलोमीटर की है केवल। तो सिग्नल हो गया, ट्रेन 5 मिनट डिले आई थी उस वजह से रुकी नहीं, 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन का, तो चलते अंदर और लेते डिपार्ट। वैसे ये जो जगह है ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के सिकंदराबाद डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ट्रेवल इज एड इज एड। तो ये एयरफोर्स का एयरपोर्ट था, पहले चालू था, अभी फिलहाल बंद हो गया। ये पहले चालू था ये ऑर्डर। अच्छा अच्छा मतलब अभी एयरफोर्स का कर दिया है, एयरफोर्स वाले ले लिए। अच्छा अच्छा पहले जब पहले था तो इंटरनेशनल था, डोमेस्टिक दोनों यही था पहले। अच्छा हैदराबाद का यही था।
अभी फ़िलहाल इसे एयरफोर्स ने ले लिया है। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन के सेकंड लास्ट हॉल्ट बेगमपेट रेलवे स्टेशन। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हैदराबाद रेलवे स्टेशन। टाइमिंग देख लो अभी कितना हो रहा है, 11:35। इसलिए देखिए यहीं से पैसेंजर्स ने ट्रेन डिबोर्ड करी है। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे हैदराबाद नम पहली। बारह 25 हो रहे हैं। देखिए ट्रेन आउटर पे खड़ी होने की वजह से यहाँ पे डिले आई है, वरना ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से बिफोर टाइम पहुँच जाती है हैदराबाद। और हमारे पीछे वाले कंपार्टमेंट की हालत देखिए, ये देखो क्या करके रखे हैं सब लोग। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस तरीके की गंदगी भाई मत किया करिए। सो गाइस फाइनली ही अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट डिले के साथ अभी हम लोग जा पहुंचे हैं हैदराबाद डेक्कन नम पहली रेलवे स्टेशन। जिसके मैं ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो जर्नी एक्सपीरियंस का क्या सीन था आप लोग ने देखा है, वॉशरूम वगैरह की क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, लेकिन कुछ पैसेंजर्स हैं जिनके वजह से आप लोग ने देखा कंपार्टमेंट की क्या हालत बनी पड़ी थी। बाकी हमारी जर्नी की सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए फॉलो करिए। और मैं मिलता हूँ आपसे, चलिए इस छोटे से ब्लॉग को हम लोग यही एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली नई जर्नी के साथ।